बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आए दिन किसी ना किसी वजह से हलचल मचती रहती है। दरअसल ये इंसिडेंट है 2023 का, जिसमें बॉलीवुड ने कई कंट्रोवर्सीज का सामना किया। दरअसल रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट से लेकर आदि पुरुष में वीएफएक्स और एक्ट्रेस के लुक पर खड़े हुए विवाद तक इनका बॉलीवुड पर काफी असर रहा है। दूसरी तरफ साल 2023 की शुरुआत भी एक विवाद के साथ ही हुई थी। ये कंट्रोवर्सी जुड़ी है शाहरुख खान की पठान से, जो कि 25 जनवरी को रिलीज हो रही थी। हालांकि फिल्म से जुड़े विवाद आते जाते रहते हैं। यहाँ आपको आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी थी। ये विवाद इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार और एक हसीना से जुड़ा हुआ है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और सलमान खान के झगड़े की। ये विवाद इतना गहरा है कि आपको कानो कान खबरें तो जरूर पहुंच चुकी होंगी कि आखिर इन दोनों का मैटर क्या हुआ था। कभी जिगरी यार रहने वाले आज एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? कभी जिगरी यार रहने वाले सलमान खान और शाहरुख खान के बीच एक समय पर ऐसा झगड़ा हुआ कि इन्हें सालों तक एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं था। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते थे। लंबे समय तक किसी को भी इस लड़ाई की असली वजह नहीं पता चल पाई। तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड की उस सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बताते हैं, जिसके चलते इंडस्ट्री दो खेमों में बट गई थी। आखिर क्या थी लड़ाई की वजह जिससे इंडस्ट्री हो गई थी दो पार्ट में, एक तरफ थे शाहरुख, दूसरी तरफ थे सलमान, और कौन थी वो हसीना जो थी इन दोनों के बीच में? बता दें कि शाहरुख खान और सलमान खान की लड़ाई कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने सालों एक दूसरे से बात तक नहीं की। बताया ये भी जाता है कि शाहरुख और सलमान की लड़ाई की वजह ऐश्वर्या राय थी। इसके पीछे का किस्सा कुछ ऐसा ही है कि साल 2002 में सलमान ने चलते चलते के सेट पर जाकर ऐश्वर्या से लड़ाई की, जिसके बाद फिल्म में ऐश्वर्या को रानी मुखर्जी से रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद से ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसका गुस्सा 2008 में कैटरीना के बर्थडे पार्टी में फूटा। कैटरीना की बर्थडे पार्टी में शाहरुख पत्नी गौरी के साथ पहुंचे थे, जहाँ सलमान भी मौजूद थे, और इसी दौरान सलमान ने उन पर तंज कस दिया। और कहा यह भी जाता है कि इसके बाद दोनों के बीच कभी बात भी नहीं हुई, और बात इतनी ज्यादा इन दोनों की बढ़ गई थी कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। इस पर कैटरीना और गौरी ने बीच बचाव किया और लड़ाई शांत कराई, लेकिन इसके बाद शुरू हुई इनकी अनबन, जो कि सालों तक चली। अभी है 2018 में शाहरुख खान ने इसके बारे में बात की थी और बताया था कि इस लड़ाई की वजह बहुत ही ज्यादा पर्सनल थी। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में झगड़े के बारे में बात की और कहा कि वो सलमान से अपनी लड़ाई को लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उन्होंने कहा, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे बीच ये कभी ना हो। मैं नहीं जानता कि उसने इस बारे में कैसे बताऊँ, लेकिन फिर मैंने उनको इस बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, उन्हें इसके बारे में बता दिया। कहा यह भी जाता है कि दोनों सुपरस्टार की सुलह बाबा सिद्दीकी ने अपने इफ्तार पार्टी में। वैसे आपको इनकी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में बताएं। तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।